जैसे इंसानों को कैंसर होता है, चिकन को भी तो होता होगा। तो हाँ हो सकता है। आपने कभी सोचा कि जहाँ से आपका चिकन आ रहा है, कौन चेक कर रहा है कि चिकन को कैंसर है या नहीं? ये तो कभी हुआ ही नहीं। हमने सोचा ही नहीं कभी। मेरे दिमाग में सवाल तब आया जब मैंने विदेश के एक व्यक्ति का यूट्यूब पे वीडियो देखा कि उनके चिकन में कैंसर निकला। अब उनके चिकन में तो कैंसर ना होके कोई और बीमारी थी, पर सवाल मेरे दिमाग में रह गया कि जब हमारे देश में मुर्गियों को कैंसर होता है तो उनका क्या किया जाता है? जो आपके पास चिकन आता है, आप चेक करते हो कि हेल्दी चिकन था, उसको कोई बीमारी नहीं थी? चेक रस लेते हैं डेली। तो आप खुद नहीं चेक करते? चेक करके देते हैं। आप ही चेक करके देते हैं? तो ये मुर्गियाँ आप कहाँ से लेते हैं भैया? गांव है, फार्म है ना। काटने से पहले चेक करते हैं कि सामने जिंदा आता जिंदा काटते हैं? तो आप नहीं चेक करते? पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने जैसे काटा हो तो अंदर आपको लगा हो कि यार ये तो इसके कैंसर है या कोई ट्यूमर है? ऐसा नहीं लगा? कभी भी नहीं हुआ जिसको कैंसर? हाँ, वो पीछे और सप्लाई वाले पीछे गिरा देते हो। आप इन पे डिपेंड कर रहे हो? आप माल के पे, उसके ऊपर, बॉस के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। फिर हम गए उस जगह जहाँ पे ये लोग ना सिर्फ अपने माल यानी मुर्गियों के लिए निर्भर हैं बल्कि उनके कैंसर रहित होने के लिए भी। ये मुर्गे हैं या मुर्गियां हैं? ये ब्रायलर हैं, इसमें मुर्गा या मुर्गी कोई फर्क नहीं होता है। अच्छा, अंडे नहीं देता? खाने के लिए होते हैं, अंडे देने के लिए होता है। कितने दिन रहते हैं आपके साथ ये? ये रात को आता है माल और मॉर्निंग में सप्लाई होकर चला जाता है। हमें लगा था यहाँ पे मुर्गियाँ पैदा की जाती होंगी, पर ये तो एक होल सेलर है जहाँ पे मुर्गियाँ सिर्फ चंद ही घंटे बिताती हैं। तो मैं जानना चाहता था कि यहाँ पे मुर्गियों की जांच कैसे की जाती है। मुर्गी या मुर्गा जो भी आता है तो वो चेक करते हैं कि इसकी हेल्थ ठीक है या नहीं है? ये सब चीज वहाँ होता है जहाँ पर ये पाले जाते हैं ना, वहाँ सब कुछ चेकअप होता है। यहाँ साफ भी माल आता है, जैसे कोई सुअर पालने वाला होता है ना, जो डिफेक्टेड माल होता है वो उनको काट के चला जाएगा। पर जैसे अगर इसको अंदर से मान लो कोई बीमारी है, जैसे कैंसर है मान लो मुर्गे को, इन्हें भी तो कैंसर होता होगा? नहीं होता इनको कैंसर। सबसे ज्यादा बीमारियां इस टाइम जो है ना वो इंसानों में है, कोई पशु पक्षी में कोई बीमारियां नहीं है। ये जो बोल रहे हैं आपके कैंसर भी हो सकता है, कुछ कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं पता लग रहा है इनको। इनको तो सीधा आ रहा है वहां से, ये बेच रहे आगे आगे। इन सज्जन को शायद इसलिए ऐसा लग रहा था कि पशु पक्षियों में कोई बीमारी नहीं होती क्योंकि इस बारे में कोई खुल के बात नहीं करता। पर हकीकत तो यह है कि ना सिर्फ मुर्गियों में कैंसर होता है बल्कि उनके साथ काम करने वालों में भी यही कैंसर पाया गया है। हाँ। बीच की बात होती ना सर, कोई भी नहीं बताया। बहुत सेंसिटिव ब्रीड होती है ब्रॉयलर जो, इसको जैसे बाहर से बंदा आया हो सकता है, आप में कोई प्रॉब्लम आई हो, आपके पैरों से प्रॉब्लम ट्रैवल हो जाए अंदर बच्चे में, पूरे लोड खराब हो जाता है। अब थोड़ी थोड़ी स्मेल आना शुरू हुई। इसमें आएगी थोड़ी, बड़े हो गए ना तो इसमें भी मुर्गी मुर्गा मिक्स है। ये मुर्गा है, कैसे पता लगता है? इसमें क्राउन नहीं आ गया ऊपर, जिसमें क्राउन आ गया वो मुर्गा है। वो आगे मुर्गी खड़ी है देख। पर दोनों एक ही रेट से बिक जाते हैं? हाँ, तो ब्रॉयलर है ना सर, एक ही चीज में एक ही जगह पले हैं, फीड पर्पस से बिकते हैं ना सर। तो इसमें अब ऐसा नहीं है जैसे कि बेचने से पहले आप हर एक को चेक करोगे, ऐसा नहीं है कुछ? एक्चुअली सर ये चेक तो होते ही शेरू थोड़ी देर के लिए ये लगा लेना, गैस बनना शुरू हुई है ना। जिस गैस की बात कर रहे हैं वो है अमोनिया, और इस गैस में अपनी पूरी जिंदगी कैद रहने से मुर्गियों की आंखें और गला बुरी तरह से जल जाता है और उनमें इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। ये भी एक कारण है कि मुर्गियों को बहुत से एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। दवाई पानी डाल रहा हूँ यार, वही दवाई डाल दी। यहाँ बुरा किस लिए भैया? इनको कंफर्टेबल फील हो नीचे चुभें। ये अभी कितने दिन के लिए? कल डालने हैं सर। तो ये बीच में क्या है? ये भट्टी है सर, इनको हीट देने के लिए। एक्चुअली सर ये क्या होता है ना, जब डिब्बे में आते हैं ना पैक होके, तो ये 60-70 पैकिंग में कई प्रेस हो जाते हैं, जब हीट लगती है इनको 2-3 के बाद फिर खड़े हो जाते हैं, इसलिए टेम्परेचर देते हैं। खेरू कौन सी दवाई डाली? कोई कल कोई बात निकाल लाऊंगा। कौन सी दवाई भैया? ये एंटीबायोटिक होती है सर, छोटे होते हैं ना। हाँ। ताई भी इनको कोई बीमारी ना लगे। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, नियोमाइसिन और तरह तरह की एंटीबायोटिक्स इनको उस दिन से दी जाती हैं जिस दिन से ये पैदा होते हैं। पर एंटीबायोटिक्स इनको इन्फेक्शन से तो बचा लेती हैं, कैंसर से नहीं।
ये कितने दिन तक रहेंगे भैया यहाँ पे? ये तो सर डिपेंड करता है कि इनका वेट कब तक 2 किलो आ जाता है, हो सकता है 35 दिन में आ जाए, 30 दिन में आ जाए, फिर आप इसको हाँ जी सप्लाई कर दोगे। अकबर में कितने चिक्स आते हैं इस फार्म की? 8,500 की है इस टाइम, 1500 डाला मैंने। ये एक जैसे वो एक पड़ा हुआ एसी है क्या सर? ठीक हो जाएगा ना, गर्मी लगेगी ठीक है। वो उसको चेक कर रहा है बेचारा उसको चेक कर रहा है कि ये तो यार ठीक है या नहीं है। अगर ये चूजा खराब होगा ना ये 5 दिन के अंदर पहले मर जाएगा इधर। तो मुर्गियां तो यहाँ से भी चेक होके आगे नहीं जाती, तो शायद चूजे पीछे से चेक होके आते हो। इसकी वैक्सीन होके आती है पीछे से ताकि आगे प्रॉब्लम ना आए। 1 रुपए की वैक्सीन पड़ती है इसकी। किस चीज की वैक्सीन? वो एक घमोरो एक बीमारी उसकी वैक्सीन, एक बर्ड रानी खेत बोलते बर्ड फ्लू को एक उसकी वैक्सीन, एक बीमारी और होती है उसकी वैक्सीन, पहले से लग के आती है आँख में डल जाते हैं इनकी। इनका वैक्सीनेशन करते हैं क्या? हम पहले करते थे अभी नहीं करते। दादा डोर खोल दो। ये निकलता 21 डे में। तो ये 100 में से कितने बचेंगे उनके पास? 5 पॉइंट तो चल जाता है। 100 में से 5 हाँ जी। हमने जैसे आपने 100 चूचा लेने हैं ना तो हमने आपको 2% देंगे, 102 देंगे, पर पहले लेंगे आपको 100 चूचक लेंगे, 2 चूचक फ्री, क्योंकि 100 में से 5 तो मर ही जाते हैं। और कोई मरता कोई मतलब वो तो फार्म की जिंदा लगता, कोई ठंडा हो गया कोई ना उनका देखने का जो होता ना देखने का ठीक नहीं हो गया, टेम्परेचर पूरा नहीं हो गया, लापरवाही हो गया तो मर जाता, नहीं होगा तो 2 दिन ही मर जाता। कितने दिन का हो जाएगा जब वो लोग आपका जैसे तंदूरी बनाना हो तो आपको जैसे 25-26 दिन ही बन जाता, वैसे 36-37 दिन में आपको 1.25 किलो। आप यहाँ से सिर्फ चूजे सप्लाई करते हैं तो अंडे आपको कहाँ से आते हैं? ओह माय गॉड, यहाँ तो अंदर स्मेल ही ऐसी है कि ये इतनी स्मेल किस चीज की है? एचरी की है ये। भैया आप यहीं पे सोते हैं? हाँ ड्यूटी वाले नाइट ड्यूटी वाले। तो स्मेल तंग नहीं करती आप लोग कर रही है? हाँ आंखें भी चल रही हैं। ये तो चलेगी, हमारे ये फार्म से आ गई यहाँ पे ठीक है, इसको बोलते हैं कोल्ड रूम। चूजे भी चेक होके आगे नहीं जा रहे। हाँ कुछ चूजे एक्स्ट्रा जरूर दिए जा रहे हैं कि यहाँ से वहाँ होने में जो चूजे मरते हैं उससे खरीदार का नुकसान ना हो, पर चेकिंग की संभावना एक जगह अभी और है। तो ये काइंड ऑफ मुर्गी का बीज हो गया, मुर्गी का बीज हो गया, शायद इन अंडों को देने वाली मुर्गियों को कुछ ऐसा खिलाया जाता हो जिससे वो ऐसे अंडे देती है जिससे कैंसर रहित चूजे निकलते हैं। लेकिन उन मुर्गियों को मिलने जाने से पहले कुछ ऐसा हुआ जो हम सोच भी नहीं सकते थे। नजर आ रहा हूँ मैं? हाँ जी सर। सीधा लगे ये तो बहुत सुनील शेट्टी लग रहा नहीं? कहाँ सुनील शेट्टी, तो मुर्गे खा खा के एकदम सांड हो चुका है। मुर्गे हम खाते रहे ना। आप नहीं खाते? वेजिटेरियन है आप? ऐसा क्यों? दिल नहीं करता। दिल नहीं करता मतलब कि टेस्ट नहीं आता या टेस्ट क्यों ना आएगा? आएगा पर दिल नहीं करता। आपको तरस आता है उन पे? तरस क्यों आना, बस यहाँ से तरस तो बस पता नहीं हजारों लाखों चूचे मार दिया मैंने, तरस क्या करना। ये है वो फोरमैन साहब जो अंडों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। टोपी उतारे? हाँ तो उतार गए कटी के फिर मुर्गी बढ़ गई ना, ये भी जानती है ना इंसान को। अच्छा जैसे ये जो भैया कह रहे थे कि ये मुर्गी पालन करते हैं पर ये खाते नहीं मुर्गी, आप भी नहीं खाते? नहीं बड़ी कम। ऐसा क्यों? बस जिसको पलना उसको क्यों मारना। जब आपके पास मुर्गी आती है तो कितने दिन की होती है? 5 डे ओल्ड। और फिर वो चूजा यहीं पे पलता है पूरी जिंदगी? कहाँ रहेगा फिर। कितने साल तक? 2 साल बस। अंदर कितनी मुर्गियां होंगी? 3 या 4। तो अभी जो मुर्गी 1.5 साल बाद अंडे देना बंद कर देती है फिर मंडी। पर कभी ऐसा हुआ कि किसी मुर्गी को बीमारी हो गई हो, ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया? कैंसर हो गया उसको निकाल के एक साइड पे करके उसको फिर कटा देते हैं।
आपको पता कैसे लगता है कि किस मुर्गी को कैंसर है? अरे भैया उधर पीछे में ना छत होगा। क्या होता है? पीछे बैक साइड नहीं है, छत होगी। अच्छा, तो आप ये मरने के बाद ही चेक करते हो? मरने के बाद पहले थोड़े छेड़े हर मुर्गी को थोड़ा पीछे से पकड़ोगे। तो मरने के बाद आप चेक करते हो कि कैंसर से मरी या किससे मरी। तो अगर उस मुर्गी को कैंसर हो सकता है जो उसके मरने के बाद ही पकड़ में आता है, तो उससे आए हुए चूजे और मुर्गे जिन्हें कोई चेक नहीं कर रहा, कैंसर तो उनको भी हो ही सकता है। तो खाने वाला पकाने वाले पे, पकाने वाला काटने वाले पे, काटने वाला पैदा करने वाले पे, और पैदा करने वाला भगवान भरोसे बैठा है। तो भैया वेज खाने वाले तो सेफ हैं, और जो बाहर मुर्गियां खा रहे हैं वो हर बारी कैंसर का रिस्क ले रहे हैं।